गुड एमसी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का आईएमसी हर्बल इंडिया में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आईएमसी में जो है पैसा कैसे आता है। जी हाँ दोस्तों, आईएमसी का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस प्रकार से किया जाता है वो इस वीडियो में हम जो है जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईएमसी में जो पहली इनकम होती है वो किस आधार पर की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईएमसी की जो सबसे पहली इनकम होती है दोस्तों, वो होती है रिटेल बेनिफिट। यहाँ दोस्तों, जब आप दुकान पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आप जो है एमआरपी पर जो डिस्काउंट लेते हैं, 30 से 40% तक डिस्काउंट आपको जो है आईएमसी के हर एक प्रोडक्ट पर मिलता है। और दोस्तों, उस प्रोडक्ट को आप डिस्काउंट पर खरीद कर जो है उसे एमआरपी तक जो है रिटेल कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो आपकी सबसे पहली इनकम होती है। और शुरुआत में जब आप आईएमसी में आते हैं तो वो आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपका सारा बिजनेस जो है उसके लिए आपको पेट्रोलिंग का खर्च निकलता है और साथ ही साथ जो है बिजनेस के लिए जो भी जो छोटे मोटे खर्च हैं वो उससे जो है निकाल सकते हैं। दूसरी जो इनकम होती है दोस्तों, उसको समझने के लिए हम जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। आप जब भी कोई परचेस करते हैं आईएमसी में तो उस पर कुछ बिजनेस वॉल्यूम कुछ पॉइंट्स आपको जो है प्रोडक्ट के दिए जाते हैं और दोस्तों उन्हें हम जो है बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। और जब आप कोई खुद जो है पर्सनल परचेस करते हैं तो उसे पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बोला जाता है। और जब आपकी टीम के द्वारा कोई व्यक्ति जब कोई परचेस करता है तो ये जो आपको जो है ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जिसे GBV बोला जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम बन जाते हैं। दोस्तों, अब जो हम देखते हैं कि आईएमसी में पैसा कैसे आता है, तो दोस्तों दूसरी जो इनकम होती है रिटेल के बाद वो होती है दोस्तों पर्सनल परचेस की इनकम। और दोस्तों, पर्सनल परचेस की जो इनकम होती है वो आपके जो है उस महीने के पर्सनल परचेस और आपका उस महीने लेवल जो होता है उसके आधार पर जो है आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी कोई टीम है जिसमें आपने जो है 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम किया है और आपका जो प्रॉफिट लेवल उस महीने मान लीजिए 35% है, सुपर स्टार है, और आपकी ये टीम है जिसमें जो है ये ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम गया है। तो दोस्तों, आपको जो सबसे पहले तो आपकी खुद की पर्सनल परचेस की आपको जो है इनकम होती है। और इसमें आप जो है दोस्तों जैसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको दोस्तों उस महीने का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम इनटू खुद का लेवल और उसमें आपको 100 का जो है भाग देना है। तो दोस्तों, उस महीने की आपकी जो टोटल इनकम जो है निकल के आ जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि 2000 आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है और आपका प्रॉफिट लेवल 35% है, तो दोस्तों उसका जो है आप 100 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपकी जो उस महीने की पर्सनल परचेस की इनकम जो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो इनकम थी ये आपकी दूसरे प्रकार की इनकम थी आईएमसी से। अब जो तीसरे प्रकार की जो इनकम होती है दोस्तों, वो आपकी जो टीम के जो है लेवल और उनके बिजनेस के आधार पर जो है दी जाती है। तो दोस्तों, इस इनकम को बोला जाता है दोस्तों डिफरेंस इनकम या परफॉर्मेंस बोनस, या दोस्तों हम उसे जो है परफॉर्मेंस इंसेंटिव के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये आपके टीम के आधार पर दिया जाता है, टीम के बिजनेस के आधार पर दिया जाता है। इसमें जानने वाली बात यह है दोस्तों कि सुपरस्टार जो लेवल होता है उसमें आपको दोस्तों टीम से जो है डिफरेंस इनकम मिलती है। और जब आप उसके ऊपर के जो लेवल पर चले जाते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, तो दोस्तों आपको जो उनमें लीडरशिप बोनस जिसे LOB बोला जाता है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आपको जो दिया जाता है, और साथ में जो है फंड्स की इनकम आती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सुपरस्टार लेवल पर जब आप रहते हैं तो आपको जो है अपनी टीम से जो है डिफरेंस इनकम मिलती है। दोस्तों, डिफरेंस इनकम क्या होती है? डिफरेंस इनकम दोस्तों आपका प्रॉफिट लेवल और आपकी टीम का जो प्रॉफिट लेवल होता है, जैसे आप 35 पे हैं और आपकी टीम 10 पे है, 20 पे है, 25 पे है, 30 पे है, तो ये दोस्तों आपकी डायरेक्ट टीम है जिनके दोस्तों टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आपको जो है उस महीने जो इनकम देते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम, ये में और भी टीमें हो सकती हैं, तो इनके जो लेवल होते हैं दोस्तों, आपके डायरेक्ट का जो व्यक्ति है उसका लेवल और आपका जो लेवल का डिफरेंस बनता है। दोस्तों, ये जो डिफरेंस है कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो आपका लेवल उसको आपको जो है घटा देना है डायरेक्ट डाउनलाइन का जो टीम जो होता है उसके लेवल से। जैसे मान लीजिए आप 35 पे हैं, पहला व्यक्ति आपका जो डायरेक्ट वाला 10% पे है, तो इनका डिफरेंस 25% का है। वैसे जो दूसरे व्यक्ति से आपको 15% डिफरेंस लेवल बनता है, उसके बाद जो है तीसरे व्यक्ति से 10%, 35 और 25 का डिफरेंस 10%, 35 और 30 का डिफरेंस 5%। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो टीम का जो डिफरेंस बनता है लेवल का, उसका जो है आपको बिजनेस मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए पहली टीम है वो जो है 10% में थी और उसका जो बिजनेस है 1000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, तो दोस्तों उसका जो डिफरेंस बना 25% उसका आपको जो यहाँ पे डायरेक्ट 250 रुपए अलग से ये डल गया। दोस्तों, इसी प्रकार से जो है दूसरी टीम में जो है वो 20% पे था, तो दोस्तों डिफरेंस बना 15%, तो उसका जो भी बिजनेस गया दूसरे व्यक्ति का, जैसे 5000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, तो उसका 15% यानी 750 रुपए आपको दूसरे व्यक्ति से मिल गया। इसी प्रकार से दोस्तों, आपका तीसरा व्यक्ति जो 25% पर था, तो 25% से डिफरेंस बना 10% का, तो दोस्तों उसका जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उस महीने का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, जैसे 50,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम इस व्यक्ति का है, तो दोस्तों आपको जो है उसका जो है 10% 5000 रुपए आपको उस व्यक्ति से मिल जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति दोस्तों जो 30% पर था, तो उसके साथ
आपका डिफरेंस जो बना उसके लेवल और आपके लेवल का डिफरेंस 5%। तो दोस्तों आपको उसके जो भी ग्रुप बिजनेस वालों का है उसका 5% आपको जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ग्रुप का जो भी इनकम होता है आपस में दोस्तों वो एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आपके जो टोटल ये ग्रुप का जो बिजनेस वॉल्यूम का जो इनकम आया है दोस्तों वो आया है 11,000 रुपए। इन टोटल जो इनकम को जोड़े और आपका पर्सनल का जो इनकम आया, तो ये दोनों इनकम आपस में जुड़ती है और उस महीने का इनकम जो है इसी आधार पर आपको दिया जाता है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि उस महीने अगर आप जो 35% पर अगर क्वालिफाइड सुपरस्टार बनते हैं तो 2% कंपनी ने टोटल टर्नओवर का डिसाइड किया, जो कि अलग से 1,000 से 1,500 रुपए आपको अलग से जो है इस इनकम में डल के अलग से आता है। मान लीजिए यहाँ पे 11,700 इनकम आपकी ग्रुप की और पर्सनल परचेज की हुई है तो उसमें 1,500 रुपए अलग से जुड़कर जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है ये अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ ये 4 लोगों का एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो दोस्तों आप इनिशियल लेवल पर शुरुआती लेवल पर होते हैं तो इस प्रकार से आपको बहुत बड़ी इनकम भी जो है आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आगे के जो इनकम होती है, जैसे लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जिसे हम लीडरशिप बोनस बोलते हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें आप इसे जो है क्यों जानना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में ज़रूर ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गुड एमसी।